हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल कृष्ण हाइक्स। माय नेम इज प्रेम पांडे और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही डिमांडेड टॉपिक। जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स, ग्रामर टॉपिक्स जो कि क्लास सिक्स टू क्लास टेंथ के बच्चों को पढ़ना पड़ता है। प्लस मैं आपको क्लियर कर दूं यार, ये वीडियो केवल उनके लिए नहीं है जो स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो स्टार्टिंग से ग्रामर सीखना चाहता है। अगर आपको ग्रामर का एक भी टॉपिक मिस नहीं करना तो हमारे इस सीरीज के हर एक वीडियो को देखिए। आज से हम पहला जो सीरीज का जो पहला चैप्टर है सेंटेंसेस, जो कि ऑलमोस्ट बहुत बेसिक टॉपिक है, वहां से स्टार्ट करेंगे और एकदम लास्ट तक जाएंगे जो एकदम कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है ना इंग्लिश ग्रामर का, जहां हमें प्रॉब्लम होती है, बड़े बड़ों को प्रॉब्लम होती है, वहां तक पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग से हमारी वीडियो को देखते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब करोगे यार, रेड बटन को प्रेस करो और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ग्रामर टॉपिक, सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स, वाक्य एवं उसके प्रकार। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ नॉलेज ऐसी है जो आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता है तो आप आगे क्या पढ़ोगे। कुछ चीजें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार, किसी भी भाषा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इंग्लिश हमारा एक लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लेटर, जिसे हम कहते हैं अक्षर। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, दिस आर लेटर्स। ये क्या कहलाते हैं? लेटर्स कहलाते हैं। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आता है जो लगभग सभी लोग आपसे पूछ लेंगे कि कितने अल्फाबेट होते हैं भाई इंग्लिश में। आप में से ज्यादातर लोग कहोगे सर 26 होते हैं, लेकिन गलत है। जी हां, गलत है, 26 अल्फाबेट नहीं, 26 लेटर होते हैं। अल्फाबेट तो हमारा एक ही होता है। अगर हम अल्फाबेट की हिंदी बात करें ना, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्ड माला, वर्णों की माला, लेटर्स का एक ग्रुप, ए टू जेड को हम कहते हैं अल्फाबेट। तो आपको पता चल गया कितने अल्फाबेट होते हैं, वनली वन अल्फाबेट होते हैं। लेटर्स कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। अब इन 26 लेटर्स में भी दो ऐसी चीजें आती हैं जो हमें जरूरी है कि सीख लेनी चाहिए। 5 इसमें से वॉवल्स होते हैं, इन 26 लेटर में से हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। 21 इसमें से हमारे जो बचे हुए हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। अब वॉवल और कॉन्सोनेंट का फंडा मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। आगे चलते हैं इसमें, लेटर्स से थोड़ा सा ऊपर आएंगे ना तो लेटर्स से बड़ा भाई हमारा आता है वर्ड, जिसको हम कहते हैं शब्द। शब्द लेटर के ग्रुप से ही बनता है, जैसे बी O Y, इन तीनों को अगर हम प्लस कर दे तो बन जाता है बॉय, और बॉय का मतलब होता है लड़का। जी हाँ, वर्ड की डिफिनीशन ही वही होती है कि सच अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स दैट मेक्स सम सेंस। ऐसे अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स जो कि कुछ मतलब दे दें, उन्हें हम वर्ड कहते हैं। बॉय, गर्ल, एलिफेंट, तुम्हारा नाम हो गया, मेरा नाम हो गया, सब वर्ड है। समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं। इन प्री नॉलेज के बाद अब हमारा मेन टॉपिक आता है सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स। फटाफट देखते चलते हैं सेंटेंस एक्चुअल में क्या होता है। सेंटेंस हमारा वर्ड का बड़ा भाई है। जी हां, वर्ड के ग्रुप से मिलके बनता है सेंटेंस। इसकी डिफिनीशन होती है सच अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंसेस। हमारे वर्डों का, हमारे शब्दों का ऐसा समूह जो हमें कुछ मतलब दे दे, उन्हें हम सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, ये पूरा जब ज्वाइन कर देंगे हम तो ये इसका मतलब निकल रहा है ना, मैं एक लड़का हूं, है कि नहीं? ठीक है। आई एम गोइंग टू मार्केट, इसमें अलग अलग वर्ड्स हैं, अगर इसको हमने ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। हम अपने डे टू डे लाइफ में जितनी भी इंग्लिश बोलते हैं हम सेंटेंस में ही बोलते हैं। हम बोलते हैं ना, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, मॉम प्लीज कम हियर, दीज ऑल आर सेंटेंसेज। ये सारी चीजें क्या है, सेंटेंसेज हैं। अब जब सेंटेंस आपने समझ लिया तो हम अपने डे टू डे लाइफ में अलग अलग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमसे कोई कुछ पूछता है तो हम उसे बताते हैं, वो सेंटेंस अलग टाइप का हो गया। हम किसी से कुछ पूछते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, ये कुछ अलग टाइप का सेंटेंस हो गया। हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं,
यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, ओपन द डोर, शट द डोर, ये भी अलग टाइप ऑफ सेंटेंस है, ठीक है। हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं यार, जुग जुग जियो, ये भी क्या है, हमारे सेंटेंस का टाइप है। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं कि सेंटेंस तो हमने पढ़ लिया, अब कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, हमारे सेंटेंसेस बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके नाम में ही छुपा है, असर्ट करना। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी को कुछ बताते हैं, जिसमें हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, उसी को तो कहते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू दिल्ली, हम इसमें किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, ये क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन है। आई लिव इन वसंत कुंज, मैं वसंत कुंज में रहता हूं, यहां पर भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है। इसको पहचानोगे कैसे आप, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को पहचानोगे कैसे, डिफिनीशन आपको पता चल गई। अब इसके लास्ट में फुल स्टॉप होता है यार, क्योंकि इसमें हम इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इसके लास्ट में क्या लगा होता है, फुल स्टॉप। आपके पास डिफिनीशन भी हो गई, एग्जाम्पल भी हो गया, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम कुछ डिक्लेयर करें या जिसमें हम कुछ असर्ट करें, उसको हम असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस, व्हाट इज दिस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो हमसे कुछ इंटरोगेट करें, जो हमसे कुछ पूछें। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग प्रेम, यहां पर हमसे कुछ पूछा जा रहा है ना, मैं पढ़ा रहा हूं, ये मैंने आंसर दिया, हमारा आंसर तो असर्टिव है क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, लेकिन जो मुझसे पूछ रहा है वो तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है कि नहीं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के मतलब क्या हो गए, ऐसे वाक्य जिनसे हमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर नेम, व्हाई आर यू हियर, व्हाई आर यू देयर, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इन सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एग्जांपल्स आपके सामने हैं, डेफिनेशन आपके सामने है, रटने की जरूरत नहीं है, प्लीज कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। डियर सर का कहना है ना, कॉन्सेप्ट इज पावर, तो सचमुच कॉन्सेप्ट पावर ही है। इंटरोगेटिव समझ लिया आपने। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस। अब यार इंपरेटिव सेंटेंस को आप नाम से मतलब नहीं निकाल सकते हो। इंपरेटिव सेंटेंस का एक ट्रिक होता है, करो। करो का मतलब क्या होता है, के फॉर कुछ नहीं, ए फॉर एडवाइस, आर फॉर रिक्वेस्ट, ओ फॉर ऑर्डर। तो ऐसे सेंटेंसेस, सेंटेंसेस दैट डिनोट्स एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर इज नोन एज इंपरेटिव सेंटेंसेस। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, ऐसे सेंटेंसेस जिनसे ये डिनोट होता है कि कोई आज्ञा दिया जा रहा है, कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज डू नॉट डू दिस, यहां पर क्या है, रिक्वेस्ट है कि नहीं, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंपरेटिव हो गया। शट द डोर ऑर्डर है ना, क्या हो गया, ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, समझ रहे हो कि नहीं। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली वो होते हैं जिसमें हम किसी को रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कोई कमांड देते हैं, किसी को कोई एडवाइस देते हैं, किसी को कोई सजेशन देते हैं, दैट ऑल आर इंपरेटिव सेंटेंसेस। और इंपरेटिव सेंटेंस का पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप से एंड होता है। मैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में एक चीज बता दूं यार, इंपरेटिव सेंटेंसेस में हमारे सब्जेक्ट हिडन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि शट द डोर, तो इसमें सब्जेक्ट कहां है, छुपा हुआ है ना, मैं किससे कहूंगा, मैं तुमसे कहूंगा, यू शट द डोर, ऐसे ही तो कहूंगा ना, तो जो यू सब्जेक्ट है वो छुपा हुआ होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस बेसिकली क्या होता है वो आप जान चुके हो। जो एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको जानना था, ये कि इंपरेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट जो होते हैं छुपे होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए था ना। इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जिसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि, विस्मयादि का मतलब क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेस जो हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करें। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की डिफिनेशन ही यही होती है, सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस आवर सडन फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, अगर किसी सुंदर लड़की को देख लो तो जो हमारे अंदर से एक सडन फीलिंग आती है ना, यार क्या लड़की है, दैट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। यही तो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। अगर आप कश्मीर की घाटी में गए हो, वहां की सुंदरता देख के आपसे रहा नहीं जा रहा है, आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर निकल गई, वाओ
What a beautiful scene. This is also a exclamatory sentences. तो basically exclamatory sentences वो होते हैं जिसमें हम कुछ exclaim करते हैं, जिसमें हमारी sudden feelings निकल आती हैं. For example, कोई मर गया, alas, he is no more. तो ये हमारी sudden feeling को, वो मर गया, हमारे अंदर से जो feeling आई उसको हमने sentence में दे दिया, वही sentence हमारा exclamatory sentence बन गया. I think आपको ये exclamatory sentence भी समझ में आ गया होगा. Now let's come to another type of sentence, optative sentence. What is this optative sentence? आपके लिए नया होगा optative sentence. जी हाँ, optative. Optative का मतलब होता है ऐसे sentences that denotes blessings or curse. ऐसे वाक्य जो या तो आशीर्वाद दे या तो श्राप दे. For example, may you live long. तुम बहुत लंबा जियो. यहां पर आशीर्वाद दिया जा रहा है ना. ये कौन सा sentence हो गया हमारा? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया. ठीक है, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ. मैं कामना करता हूं कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत सुखमय हो. तो यहां पर मैं भी कामना कर रहा हूं ना, ये मेरी ब्लेसिंग्स है ना. तो ये कौन सी सेंटेंस हो गई? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गई. अब पुराने जमाने में रामायण में और महाभारत में ब्लेसिंग्स दिया करते थे ना, जो तुम चूहा बन जाओ, जो तुम बिल्ली बन जाओ. सारे सेंटेंसेस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं. मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मे गॉड सेव द क्वीन, ठीक है, मे यू गो टू हेल. ऑल द सेंटेंसेस आर ऑप्टेटिव सेंटेंस. बेसिकली ऑप्टेटिव सेंटेंस का फंडा ये होता है, ऐसे सेंटेंसेस जो जिनसे हमें, जिनसे हम किसी को ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद या श्राप एक्सप्रेस करते हैं, उन सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं. तो आई होप आपने ये वीडियो लेक्चर एंजॉय किया होगा. ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए. नेक्स्ट वीडियो सीरीज ग्रामर टॉपिक का हम जल्द लेके आएंगे. तब तक के लिए जय हिंद.